Hello students, welcome to online classes. In our previous lecture, we are discussed about development of embryo. Embryo कैसे develop होता है zygote से and metamorphosis. Now our next topic is asexual reproduction. दो type की reproduction के बारे में मैंने बताया था, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction हमने discuss कर लिया अपने previous lectures में. Now asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organism like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. देखो अभी तक हमने बड़े बड़े animals के बारे में पढ़ लिया है कि उनमें reproduction process कैसे होती है, लेकिन जो microscopic animals होते हैं जैसे organisms होते हैं like hydra and amoeba, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. गेट परमानेंट एक्टिविटी 9.3, गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, लुक आउट फॉर एनी ब्लज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, काउंट द नंबर ऑफ ब्लजेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड, ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द ब्लज, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट, कंपेयर इट विद फिगर 9.11. आपने क्या करना है, हाइड्रा की एक परमानेंट स्लाइड लेनी है और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. ठीक है, उसमें से आपको क्या दिखेंगे, ब्लजेस निकले हुए दिखेंगे. जैसे ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ना फिगर 9.1 में, ये हाइड्रा है ऊपर इसके और ये नीचे से छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है एंड पे इसका ये ब्लज होता है. फिर दूसरे पिक्चर में क्या है, ये ब्लज थोड़ा सा बड़ा हो गया है और थर्ड में ये बिल्कुल कंप्लीट जैसा ऊपर हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना है वैसे ये नीचे से भी बिल्कुल इस टाइप का बन गया है. इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर ब्लजेस, दिस ब्लज आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बड. हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा ब्लज प्रेजेंट होते हैं और यही ब्लज डेवलप होके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड बर्ड. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स. बर्डिंग प्रोसेस हमने ईस्ट में पढ़ी है लास्ट ईयर, ईस्ट में बर्डिंग प्रोसेस होती है, बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, वैसे ही हाइड्रा में भी बर्ड के थ्रू ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. ऐसी reproduction जिसमें only one parent, single parent involved होता है, that is called asexual reproduction. Sexual reproduction में both parents involved होते हैं, male and female. Since new individual develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब बड के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड बडिंग. अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा एग्जांपल क्या होता है, अमीबा माइक्रोस्कोपिक. एक हमारा हाइड्रा हो गया, दूसरा अमीबा. You have already learnt about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is single celled organism. आपको पता है कि amoeba क्या होता है, single cell organisms होते हैं. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. इसमें जब reproduction process होती है तो ये क्या करता है, अपने nucleus को दो nuclei में divide कर देता है. This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट एक एक न्यूक्लियस रिसीव करता है. फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट, जिससे कि दो अमीबा बनते हैं एक पेरेंट से. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इंटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे दैट इज कॉल्ड विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, जिसमें कोई इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वन. और दूसरा मेथड क्या होता है, बाइनरी फिजन के अलावा एक और मेथड होता है जिसमें सिंगल पेरेंट यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है. यू विल स्टडी अबाउट दिस इन यूर हायर क्लासेस.
बाकी की जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से दो इंडिविजुअल या तीन इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम अपनी हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 9.12, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। देखो अमीबा का स्ट्रक्चर, पहले अमीबा सिंगल सेल है, ठीक है, फिर इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, उसके बाद बॉडी डिवाइड होने लगी, हर एक ने एक एक न्यूक्लियस रिसीव किया और बाद में टू डॉटेड सेल्स में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, जब सिंगल पेरेंट से टू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, दैट इट्स कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। अब आता है हमारा डॉली, क्लोनशिप जो होती है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सटिंक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग में क्या होता है, किसी एक सेल की पूरी एग्जैक्ट कॉपी, जैसे पहले वाली है वैसी ही दूसरी कॉपी, एक जैसी सेम कॉपी बनाना। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यान बर्नट एंड हिज कलीग एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग। सबसे पहले जो क्लोनिंग की प्रोसेस थी एनिमल के ऊपर, वो करी थी पहली बार यान विल्मर्ट ने की थी अपने कलीग के साथ, कहाँ पे, एडिनबर्ग में, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में ये प्रेजेंट है। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शिप नेम डॉली। उन्होंने सबसे पहले एक क्लोन शिप बनाई थी जिसका नाम डॉली था। डॉली वॉज द बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। डॉली शिप जो थी 5 जुलाई को ये पैदा हुई थी, ठीक है, और ये क्लोन एनिमल थी, क्लोन के थ्रू ये बनाई गई थी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। डॉली को क्लोन करने के लिए, डॉली को बनाने के लिए जो ये फिन डॉर्सेट शिप है, ये पिक्चर में आपको दिखाई गई है, इसकी मेमरी ग्लैंड को लिया गया था। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑप्टेंड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक ईव, और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के क्या लिए गए थे, एग लिए गए थे, ठीक है। फिन डॉर्सेट शिप की मेमरी ग्लैंड को लिया था और स्कॉटिश ब्लैक शिप की एग्स को। देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल्स फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक। उसके बाद क्या किया गया था, फिन डॉर्सेट शिप इंसर्ट टू एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक, स्कॉटिश डॉर्सेट शिप की मेमरी ग्लैंड को स्कॉटिश ब्लैक फेस यू की यूके एग में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इंजेक्ट कर दिया गया था। हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड, जिसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, ठीक है। ये जो स्कॉटिश ब्लैक फ्यू ईव थी, इसके एग से उसका न्यूक्लियस निकाल के फिन डॉर्सेट शिप की मेमरी ग्लैंड को वहाँ पे इम्प्लांट किया गया था। द एग दस प्रोड्यूस वाज इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, उसके बाद उस एग को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। उसके बाद एग डेवलप होता गया नॉर्मली और डॉली को बर्थ हुआ, डॉली पैदा हुई। थ्रू डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक यू, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। डॉली को पैदा बेशक स्कॉटिश ब्लैक फेस यू ने किया था, उसकी बॉडी से पैदा हुई थी, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स थे, उसके जो आइडेंटिकल्स थे, वो बिल्कुल फिन डॉर्सेट शिप के जैसे थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो क्लोन शिप थी वो थी हमारी डॉली शिप। डॉली वॉज गिवन आइडेंटिकल फिन डॉर्सेट शिप फ्रॉम विच न्यूक्लियस वॉज टेकन। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक यू वॉज रिमूव, डॉली डिड नॉट सो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैक ईव। अब देखो, जब न्यूक्लियस निकाल दिया था स्कॉटिश ब्लैक ईव का, तो डॉली के पास कोई भी करेक्टर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का नहीं था, क्योंकि उसके एग से न्यूक्लियस को रिमूव करके फिन डॉर्सेट की मेमरी ग्लैंड को इंजेक्ट किया गया था, उसकी बॉडी में इम्प्लांट किया गया था। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर आर्म थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन। डॉली जो थी वो एक हेल्दी शिप बनी थी फिन डॉर्सेट शिप की, और उसने अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाए थे, आगे पैदा किए थे। अनकम्फर्टुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। और फिर बाद में क्या हुआ, 14 फरवरी 2003 को डॉली की डेथ हो गई, क्योंकि उसको लंग डिजीज हो गई थी कोई।
Since 20 several attempts have been made to produce colored mammals, however, many die before birth or die soon after birth. The colored animals are many a time found to be born to several abnormalities. ये जो क्लोन एनिमल होते हैं जो क्लोन के थ्रू पैदा होते हैं इनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज होती है. कहीं ऐसे होते हैं जो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं और कहीं पैदा होने के बाद. सो अवर चैप्टर नंबर 9 इज कम्प्लीट. थैंक यू.